हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सीरीज चल रही है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कुछ विधियां पढ़ेंगे, यानी कि कुछ केमिकल्स द्वारा हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करना है। किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से केमिकल के माध्यम से किस प्रकार से रिएक्ट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही सिंपल ट्रिक से आज हम ये जानेंगे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर, क्या डालेंगे हेडिंग? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। हेडिंग बनाना है आपको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां। ठीक है भाई, सामान्य विधियां। ठीक, क्लियर, यानी कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला हम हेडिंग बनाएंगे एल्कोहल और एल्डिहाइड से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। क्लियर, एल्कोहल व एल्डिहाइड से फर्स्ट हेडिंग बनाना है आपको एल्कोहल, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। क्लियर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। ठीक है भाई, यानी कि एल्कोहल या एल्डिहाइड से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, या फिर इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन 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 ऑफ एल्कोहल एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, या फिर लिखेंगे या एल्डिहाइड। ठीक, या तो आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण कीजिए या फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीजिए, यानी कि जो भी हम रिएक्शन करेंगे आपको थ्योरी बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको केवल रिएक्शन पर ही ध्यान देना है। ठीक है भाई, देखिए क्या है, यानी कि एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल हो, सबसे पहले मैं आपको एक ही सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं। एल्कोहल कोई सा भी हो, एल्कोहल एल्कोहल कोई सा भी हो, अगर हम बेटा इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जब हम करते हैं तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं भाई K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तब क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्लियर, क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। केवल आप ये फॉर्मेट ध्यान रखें, कोई सा भी एल्कोहल हो, कोई सा एल्डिहाइड हो, इनका जब भी ऑक्सीकरण होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक ही रिएक्शन से दो रिएक्शन तैयार होंगी। कैसे दो रिएक्शन तैयार होने वाली हैं, एल्कोहल कोई सा भी हो, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां तक देखिए क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, तो एल्कोहल को आप ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण अभिकर्मक पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन सा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीजन करने पर क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, या फिर क्या होता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में करते हैं, तब भी हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना है। जैसे देखिए, एल्डिहाइड
एल्डिहाइड ये रहा, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण करवा पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसे आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इसी के माध्यम से किसी भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रकार का हो, अगर आपका एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, क्लियर। अब आप देखिए रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे भाई, एल्कोहल है तो एल्कोहल RCH2OH, ठीक है। कौन सा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल हो गया ये, इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिकर्मक कौन सा है भाई, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है भाई, K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है भाई। तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, माइनस H2O निकल जाएगा, माइनस H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा RCHO, ठीक है RCHO। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है और ये क्या बना, एल्डिहाइड बना, क्लियर। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। जब इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे, ऑक्सीकरण अभिकर्मक यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। तब क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ठीक है भाई, क्या बनना है RCOOH, क्लियर। क्या बना, RCOOH बना, क्या होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है भाई। तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना और आप जानते हैं R क्या है, R क्या है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है भाई, R क्या है एल्काइल ग्रुप, R बराबर क्या होता है, R क्या होता है एल्काइल, एल्काइल ग्रुप होता है। तो R इज इक्वल टू हम इसमें R रख सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या रख दें, R इज इक्वल टू H रख दें। जब R इज इक्वल टू H रखेंगे तब क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बनेगा, H यानी कि CH3, क्या बनेगा बेटा CH3OH, CH3OH इसका हमने ऑक्सीकरण करा तब क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई HCHO, ठीक है HCHO बनेगा और इसका ऑक्सीकरण करेंगे तब क्या बनेगा HCOOH, ठीक है। नाम लिख लीजिए, नाम लिखेंगे भाई क्या है, ये हमारा क्या है मैथिल एल्कोहल, क्या बना मैथिल एल्कोहल बना, मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है भाई H2SO4, तो माइनस H2O निकलना ही निकलना है और क्या यहाँ पे देखिए भाई अभिकर्मक लगाएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्मल डिहाइड बनेगा, क्या है ये फॉर्मल डिहाइड है और इस फॉर्मल डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, क्लियर। क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए मैथिल एल्कोहल से फॉर्मिक एसिड बनाइए तो मैथिल एल्कोहल से फॉर्मिक एसिड इस प्रकार प्राप्त करेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए मैथिल एल्कोहल से फॉर्मल डिहाइड बनाइए तो मैथिल एल्कोहल से फॉर्मल डिहाइड का ये निर्माण हो गया, ठीक है फिर। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर्मल डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाइए तब आप फॉर्मल डिहाइड से फॉर्मिक एसिड का निर्माण ये करने वाले हैं, ठीक है फिर। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि मैथिल क्या होता है, जब मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन में बता चुका हूं आपको, एक रिएक्शन कम से कम तीन टाइप से पूछी जाती है, तो ये एक रिएक्शन से आपकी कितनी रिएक्शन तैयार हो रही है, तीन से चार रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है भाई। ये हमारा मैथिल एल्कोहल से फॉर्मिक एसिड का निर्माण हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने वाले हैं एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण, क्लियर। एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण यानी कि एथिल एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक एसिड, एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण,
हमें क्या लगाना भाई, आर बराबर क्या लगा दे हम उसमें, आर बराबर उस रिएक्शन में हम क्या रख सकते हैं, सी एस थ्री। हमने आर बराबर जब सी एस थ्री रखेंगे तब क्या होगा बेटा, देखिए आर बराबर सी एस थ्री रखेंगे तो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इसका हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, इसका हमने ऑक्सीकरण करा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में। वही क्या है वे K2 Cr2 O7 प्लस H2SO4, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एथिल एल्कोहल, क्लियर, क्या हुआ एथिल एल्कोहल हुआ, इसका हमने ऑक्सीकरण कर दिया K2 Cr2 O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, एसिटल डिहाइड CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, यहाँ पे माइनस एच टू दिखा दीजिए, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण अभिकर्मक वही है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और क्या कर रहे हैं ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तब क्या बनेगा एसिटिक एसिड बनना है, ठीक है, CH3COOH क्या बन गया एसिटिक एसिड, ये क्या है वे एसिटल डिहाइड, क्या बना एसिटल डिहाइड बना, ठीक है, और ये क्या बना एसिटिक एसिटिक एसिड बन गया, यानी कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण, एसिड यानी कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग बनाएंगे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, क्लियर, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, ठीक है भाई, द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाने भाई, द फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है बेटा, यानी कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, ठीक है बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, कैसे हम प्राप्त करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, किसके द्वारा, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा, इंपोर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इस पे लिख लीजिए यूपी बोर्ड 2024, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और लिख लीजिए यूपी बोर्ड 2024, 100% आपको एग्जाम में यहां से एक नंबर की रिएक्शन अवश्य मिलेगी, ठीक है भाई, देखिए क्या है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक आप जानते हैं आर एम जी एक्स क्या है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, इसको हम किसके साथ करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा, जब हम इसका बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया हमने तो यहां माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया, कौन सा बॉन्ड फिशन हो रहा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, विषम विदलन, इसी प्रकार से हम इसका विषम विदलन करेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्लियर, अब आप देखिए रिएक्शन, जहां माइनस है वहां प्लस जोड़ेंगे, जहां प्लस है वहां पर माइनस जोड़ेंगे, किस प्रकार से जुड़ेगा देख लीजिए भाई, यहाँ पे हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एमजी वाला पोर्शन जोड़ देंगे, एमजी सिंगल बॉन्ड एक्स, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप माइनस वाला जोड़ देंगे, क्या आएगा बेटा आर, ठीक है, ये आया, अब हम इसका क्या काम करें, ऑक्सीडेशन करें, क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, क्या कर रहे हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करना है हमें, क्या करना है,
हाइड्रो हाइड्रोलाइसिस। क्लियर, हमने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देख लीजिए ये वाला पोर्शन हाइड्रोलाइसिस पे हो गया, यहाँ एच हो गया और यहाँ पर ओ एच हो गया। तो इधर वाला पोर्शन देख लीजिए क्या बना, आर सी ओ एच, यानी कि आर सी डबल ओ एच प्लस क्या बनेगा, एम जी ओ एच एक्स। ठीक है, ये पोर्शन बनेगा, यानी कि नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे बेटा, ये क्या है, ग्रिक नॉट अभिकर्मक। क्या है, ग्रिक नॉट रिएजेंट है। क्या है बेटा, ग्रिक नॉट रिएजेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये क्या हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और ये क्या बना हमारा बताइए, मैग्नी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब हम इसमें क्या करें, आर बराबर एच नहीं रख सकते, आर बराबर एच नहीं रख सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं ग्रिक नॉट अभिकर्मक से, ग्रिक नॉट अभिकर्मक से फॉर्मिक एसिड नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, द फॉर्मिक एसिड नॉट फॉर्म्ड बाय द ग्रिक नॉट रिएजेंट। ठीक है, ग्रिक नॉट अभिकर्मक से, ग्रिक नॉट रिएजेंट से, रिएजेंट से फॉर्मिक एसिड प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बनाना होगा, आर के स्थान पर एच रखना होगा, और आर के स्थान पर जैसे ही हम एच रखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रिक नॉट अभिकर्मक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ग्रिक नॉट अभिकर्मक से हम फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं कर सकते। डायरेक्ट किसका करेंगे, एसिटिक एसिड का। किस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए, आर इजिकल टू सी एस थ्री रखा, एक्स इजिकल टू बी आर रखा। ठीक है, जब हम ये पोर्शन ये चीज रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई, सी एस थ्री एम जी बी आर, सी एस थ्री एम जी बी आर, क्या नाम है इसका, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आर बराबर सी एस सी रखने पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, आर बराबर सी एस सी रखने पर क्या बनता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। और इसका हमने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कराया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस। अब क्या होने वाला है, हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा हमने, तो यहाँ पर इसी का भी बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। जब इसका बॉन्ड ब्रेक कराया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस हुआ। अब क्या बनेंगे, देख लीजिए क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन एम जी बी आर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, सी एच थ्री। ठीक है भाई, यहाँ लग जाएगा सी एच थ्री। ठीक है, और क्या करा दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस करा, यहाँ पे क्या करा, हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन किया हमने, हाइड्रोलाइसिस किया। तब क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए एच और यहाँ ओ एच, तो ये वाला पोर्शन बन गया सी एच थ्री सी डबल ओ एच। क्लियर, क्या बना, सी एच थ्री सी डबल ओ एच। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा बेटा, एम जी ओ एच बी आर, यानी कि हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या है बना, एसिटिक
एसिटिक एसिड, क्लियर। ये क्या बना, एसिटिक एसिड। अगर आपसे ये पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड से एसिटिक एसिड बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड से तो एसिटिक एसिड इस प्रकार प्राप्त करेंगे। यदि फिर आपसे ये पूछा जाए कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड का निर्माण कीजिए, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ये एसिटिक एसिड बन गया, क्लियर। तो ये जो था हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसके द्वारा, ग्रिग नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। आज हमने जो आज की क्लास में हमने पढ़ा एल्कोहल से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, एल्डिहाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना और ग्रिग नॉर्ड अभिकर्मक से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में कुछ विशेष तत्वों के साथ हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कल शाम 8:30 बजे, क्लियर। तो कल शाम 8:30 बजे आना ना भूलिएगा, कुछ नए केमिकल्स के साथ में हमें बनाना होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसी रिएक्शंस लेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं। तो कल शाम मिलते हैं 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।